हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। नए तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों से व्लॉग आ रहे नहीं थे, तो मैंने कुछ प्लान किया था तो सक्सेसफुल हो चुका है। आज पीछे देख रहे हो आप TVS Apache 310RR। यूट्यूब में मेरे को उस पर वीडियो डालना था कि कैसी गाड़ी है और क्या क्या फीचर्स है उसके अंदर, तो ये वीडियो वही है, TVS Apache 310 का रिव्यू। तो स्टार्ट करते हैं, अपन पहले देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशन, उसके बाद में सब डिटेल लेते धीरे धीरे। जो गाड़ी के आगे से लुक दी ना यार, आँखें मेरे को बहुत अच्छी लगती है। एक मिनट ऑन करके दिखाता हूँ। ओ भाई साहब खतरनाक, एकदम अच्छा लगता है। इधर TVS का लोगो दिया हुआ है और लाइट तो एकदम मस्त है। कभी अगर लॉन्ग राइड के लिए जाना हो तो ये लाइट काम आएंगे, कुछ एक्स्ट्रा लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है। कि कल रात में गाड़ी आई थी अपने पास तो मैंने कल देखा नाइट में, तो काफ़ी अच्छा लाइट परफॉर्मेंस कर रही थी, तो अच्छी बात है। पावरफुल लाइट दी गई है। और फ्रंट व्हील पे आते हैं अपन तो ABS ड्यूल चैनल मिलता है, और डिस्क की साइज़ है 300 mm, और टायर की साइज़ है 17 inches, और 5-spoke अलॉय आते हैं इसके अंदर, काफ़ी अच्छा है। और ब्रेकिंग तो ड्यूल चैनल ABS से तो पूछने की बात ही नहीं, काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग है। इधर पे RR 310 ब्रांडिंग दी हुई है और नीचे Apache लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे Apache लिखा हुआ है इधर पे। अच्छा, फ्रंट टायर और रियर टायर दोनों ट्यूबलेस आते हैं। फ्रंट सस्पेंशन दिए हैं इन्वर्टेड कार्टेजेज, टेलीस्कोपिक फोक, और बैक वाला दिया है, और बैक वाला सस्पेंशन दिया है 2 arm एल्यूमिनियम डाईकास्ट स्क्रूविंग आर्म। कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, जो सस्पेंशन है ये बहुत रेयर मिलता है कोई बाइक में, जो स्पोर्ट बाइक होती है उसमें ही सस्पेंशन मिलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी अपन आते हैं गाड़ी के डायमेंशन और चेसिस के ऊपर। चेसी टाइप टेलिस फ्रेम स्प्लिट चेसी, उसके बाद में क्यूबिक वेट है। पूरा टोटल गाड़ी का वेट है 174 kg। गाड़ी की जो लेंथ है वो है 2001 mm, काफ़ी लंबी गाड़ी है। गाड़ी की जो विड्थ है वो है 786 mm। गाड़ी की जो हाइट है वो है 1135 mm, और व्हील बेस है 1365 mm, और ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी की 180 mm। गाड़ी की जो सीट हाइट है वो है 810 mm, तो नॉर्मली गाड़ी का इतना ही होता है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा गाड़ी पे चढ़ने के लिए, तो ठीक है। ओवरऑल गाड़ी की जो डायमेंशन है वो एकदम स्पोर्टी लुक देती है। 3 लाख में आपको इससे अच्छी बाइक नहीं मिलेगी मार्केट के अंदर, काफ़ी अच्छी बाइक है। जो पिकअप है ना बॉस इसका, फर्स्ट गियर में अगर कभी अपन फुल रेस देते हैं तो गाड़ी का जो फ्रंट है, फ्रंट टायर है, वो विली खाएगा, तो काफ़ी अच्छा है। पावर के मामले में TVS आगे है अभी। नेक्स्ट अपन आते हैं फीचर्स के ऊपर। गाड़ी की जो फीचर्स है वो काफ़ी मस्त मस्त फीचर दिए गाड़ी के अंदर, तो पहले अपन देखते हैं। अभी देखो स्टार्ट हो रहा है, इसका जो स्क्रीन दिया है ना बॉस, ये तो एकदम नाजवाब दिया है, क्योंकि एक फ़ोन की इतना स्क्रीन है। अभी मेरा ये आईफोन है, देखो आईफोन की इतना स्क्रीन है बॉस, काफ़ी अच्छा है ये बात। और उसके बाद में गाड़ी के अंदर 4 मोड आते हैं, एक राइड मोड, एक राइड मोड के अंदर गए अपन, और एक अर्बन मोड आता है, उसके बाद में एक रेन मोड आता है, रेन मोड के बाद एक स्पोर्ट मोड आता है। गाड़ी ने 1000 किलोमीटर कंप्लीट किया नहीं है, स्पोर्ट मोड चालू नहीं है, लॉक है। जब 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो जाए तब कंपनी ओपन करके दे देगी,
तो अच्छा है। अभी बैग जाते हैं अभी अपन। गाड़ी में ट्रिप डिटेल्स, हाँ ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप सी, उसके बाद में माय व्हीकल सर्विस, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, माइलेज, स्पीड वगैरह बहुत सारी चीज़ें दी है। काफ़ी अच्छा है। और फ़ोन भी कनेक्ट हो जाता है, नेविगेशन मिलता है, उसके बाद में ब्लूटूथ वगैरह सब चलता है इसमें। और देखो कनेक्टिविटी, डिस्प्ले सेटअप, कस्टमर विजिस को ये भी अच्छा है। बहुत सारे मोड़ है गाड़ी के अंदर, तो काफ़ी अच्छा है गाड़ी। गाड़ी के अंदर बहुत सारे मोड़ दिया, अच्छा है। अभी ये इंडिकेटर चालू है, एक मिनट, हाँ तो काफ़ी अच्छा है। अभी इसको अपन बंद कर देते। और TVS का लोगो इधर पे भी है, इधर पे भी है, इधर पे भी है, और इधर पे RR T10 का लोगो। ये लोगो काफ़ी लग्जरियस लुक देता है, अच्छा है, एकदम मेकिंग एकदम मस्त है। और उसके बाद में इधर पे भी देता है 310 की बैचिंग, इधर पे भी 310 की बैचिंग, जो पिलियन है उसके लिए इधर पे पकड़ने के लिए दिया है। उसके बाद में कभी गाड़ी को अगर एग्जॉस्ट लगाया ना बॉस, गाड़ी का जो आवाज़ है ना एकदम ख़तरनाक बन जाएगा। अभी ये तो कंपनी एग्जॉस है। उसके बाद में इधर पे लिखा हुआ है TVS रेसिंग, रेसिंग इंजन मिलता है इसके अंदर। और इधर भी Apache, और इधर पे RR T10। तो कंपनी ने हर जगह अच्छे अच्छे ग्राफिक्स के साथ Apache लिखा हुआ है, जो गाड़ी को अच्छा लुक देता है। गाड़ी के अंदर दो कलर आते हैं, एक जो है रेड और एक टाइटेनियम ब्लैक। अभी वो अवेलेबल नहीं था, नहीं तो मैं वो भी दिखा देता, पर ये रेड रेड भी बहुत अच्छा दिखता है कलर। इधर पे रेड दिया हुआ है, उधर पे वाइट, इधर पे भी वाइट, तो ये अच्छा है। इधर पे भी वाइट मिलता है, तो अच्छी खासी लुक दे रही है। जब गाड़ी रास्ते पे चलती है ना बॉस, बहुत सारे लोग देखते हैं मुड़ मुड़ के कौन सी गाड़ी जा रही है। कभी अगर एग्जॉस्ट लगा दे ना बॉस, बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद में इधर पे रियर मड गार्ड मिलता है, तो इधर पे अभी जो बैक पैसेंजर उस पर उड़ता नहीं है। गाड़ी जो है सिंगल सिलेंडर में आती है, 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व रिवर्स इंक्लाइंड इंजन में आती है गाड़ी, तो अच्छा है। और काफ़ी मज़ेदार गाड़ी है बॉस, 2 दिन से है मेरे पास, काफ़ी अच्छा है। अभी तक तो स्टिकर भी नहीं निकाला है, न्यू ब्रांड गाड़ी कंपनी से लाई है। और इधर पे रिफ्लेक्टर मिलता है, अभी नंबर प्लेट लगेगा, तो ये रिफ्लेक्टर है। इधर पे भी रिफ्लेक्टर, इधर भी रिफ्लेक्टर है। उसके बाद में ये पिलियन के लिए फुटरेस्ट है, और ये इधर पे घेर है। और ब्रेक लाइट तो एक नंबर, रात में तो और अच्छा दिखता है। इधर पे हेजर्ड लाइट चालू हो चुकी है, तो अच्छा है। ये भी LED में मिलता है, ये भी LED में मिलता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर अंधेरे में ड्राइव कर रहे हो, पीछे से कोई हाईवे पे गाड़ी चल रही है, हाईवे पे गाड़ी चल रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि लाइट जो अच्छी दी हुई है इसलिए। अभी अपन जाते हैं छोटी सी शॉर्ट राइड के लिए, देखते हैं थोड़ा पावर वगैरह देखते हैं इसकी। एक छोटी सी राइड पे जाने के पहले कंपनी एग्जॉस्ट साउंड सुन लेते हैं। वेट वेट वेट, भाई भाई साहब क्या आवाज़ है, बस खतरनाक वाला आवाज़ है। अभी इसको बंद कर दे, तो अभी अपन एक छोटी सी ड्राइव के लिए जाते हैं। इसका जो हॉर्न है ना, वो भी काफ़ी लाउड दिया है कंपनी ने, तो ये बात अच्छी है, क्योंकि लाउड हॉर्न तो लाउड ही होना चाहिए। अगर लाउड नहीं होगा तो लोगों को सुनाई कैसे देगा।
भाई साहब पावर देखो पावर। भाई साहब खतरनाक वाला पावर है। चलो अभी ड्राइव खत्म करते हैं अपने, अभी जाते हैं अपन घर पे और देखते हैं इसके कॉन्स क्या है। प्रोस तो हो गया सब, अभी अभी देखते हैं इसके कॉन्स क्या है। गाड़ी जो है बिल्डिंग के नीचे लगा दी है, अभी अपन बात करते हैं इसके प्रोस एंड कॉन्स की। अच्छी बात गाड़ी में ऐसी है कि पावर बहुत ज़्यादा दी है और प्राइस भी ठीक ठाक है, अच्छा भी नहीं बोलूँगा गंदा भी नहीं बोलूँगा, ठीक ठाक प्राइस है पावर की सबसे ठीक है। और लाइट बहुत अच्छी दी है, लाइट का जो मुझे ये जो दिया है आगे का, ये जो लाइट दी आगे की वो काफ़ी अच्छी दी है। नाइट में जब ये चालू होती है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है और डे टाइम रनिंग लाइट है वो, ये भी बात अच्छी है। अभी अगर मैं अभी भी चालू करूँगा तो वो भी चालू ही रहेगी और बाद में भी चालू ही रहेगी तो वो भी बात अच्छी है। एक बार मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखाई नहीं चाहते मैं दिखा, ये अभी नॉर्मल लाइट, अभी ये अपर डिपर, ये जब दबा के रखे हुआ ना तो अभी क्या लाइट आती है बॉस, खतरनाक वाली लाइट। ओहो आँख में चमक, पास में आता है मेरा मैन, काफ़ी अच्छे इधर DRL मिलते हैं छोटे से, बहुत मस्त है। और जो बैक की लाइट है, ब्रेक लाइट है बैक की, वो भी अच्छी दी है। जो टर्न इंडिकेटर है वो भी LED मिले तो वो भी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छे दिखते हैं ऐसे तीन। और कॉन्स ऐसी है, और कॉन्स ऐसे है कि जो पीछे बैठेगा वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि जो पीछे बैठेगा उसको बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है, चढ़ते चढ़ते ही आदमी की टाइटर फिश हो जाती है, ठीक है। और थोड़ा सीट थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, अभी स्पोर्ट बाइक है तो वैसा ही मिलेगा, अपन उसको कुछ कर नहीं सकते। और बाकी सस्पेंशन भी अच्छा है, खाली थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस कम है, कोई अगर आप बड़ा सा स्पीड ब्रेकर वगैरह रहेगा तो उधर गाड़ी नीचे लग सकती है, वो भी एक गंदी बात है गाड़ी के अंदर। बाकी सब बढ़िया, बाकी गाड़ी एक नंबर, अगर आपके जेब में 3 लाख रुपये है बन करके गाड़ी ले लो, मेरा अभी सजेशन है, क्योंकि मैं 2 दिन गाड़ी देखा, गाड़ी तो एक नंबर है बॉस। अभी इसकी रेंज में बहुत सारी गाड़ी आती है, R1 भी आती है, KTM RC भी आती है, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। अगर आपको TVS भी लेनी है तो ये तो ले लो। मैं ब्लॉग बनाता हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि ऐसा कुछ बनाएंगे, पर गाड़ी अवेलेबल नहीं थी जैसा कि आपको मैंने पहले बता दिया, अभी गाड़ी आ चुकी तो बना दिया और अपलोड कर रहा हूँ। तो होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करे बिना जाना नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता है आपको अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और बिग थैंक्स टू सुप्रीम TVS उल्लासनगर, क्योंकि उन्होंने मेरे को ये गाड़ी अरेंज करवा के दी, थैंक यू TVS। बाकी गाड़ी तो चुमा गाड़ी, टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, वापस से मिलेंगे अपन थोड़े दिनों में।